जंगल। आपके द्वारा नया डायरेक्शन जो दिया गया है, इसमें सभी शॉपिंग मॉल को, स्विमिंग पूल को, जिम को इसका बंद करने का आदेश आया है और हमने भी सभी SDO BDO को, थाना प्रभारी को, SDPO को आदेश किया है कि इस आदेश का अनुपालन करेंगे। साथ ही साथ जितनी बड़ी दुकानें हैं या रेस्टोरेंट हैं उसमें निर्देश दिया गया है डेली उसको एक बार अगर डिसइंफेक्टेंट से उसकी सफाई करेंगे, नॉर्मल पानी से सफाई करने से काम नहीं चलेगा। और इसके अतिरिक्त वो लोग सैनिटाइजर रखते हैं, कोई कस्टमर आएगा उसको सैनिटाइजर उसके हाथ पे दे के हाथ धुलवा के उसको दुकान के अंदर आने देंगे। सभी रेस्टोरेंट बड़ी दुकानों के लिए डायरेक्शन है। इसके अतिरिक्त कोई भी निजी अस्पताल को भी अगर कोई संदिग्ध मरीज दिखता है उसकी जांच करते हैं तो जांच के 3 घंटा के अंदर उसको सिविल सर्जन को रिपोर्ट करना है ताकि हम लोग उस पर मॉनिटरिंग कर सकें। ये स्वास्थ्य विभाग का डायरेक्शन था। और सिनेमा हॉल के संबंध में आप पहले ही डायरेक्शन आ चुका था कि 31 मार्च तक बंद रहेगा, तो अभी इसको जो आदेश आया है इसको अनुपालन करने के लिए सभी को दिया गया है। आप लोगों के माध्यम से सभी में दुकानदारों से, जो बड़े दुकानदार हैं, सभी रेस्टोरेंट के लोगों से अनुरोध करता हूँ कि जो डायरेक्शन है सरकार का उसका 100% अनुपालन सुनिश्चित कर दें। वो आप लोगों के ही स्वास्थ्य के लिए हैं, जितना आप लोग सावधानी बरतेंगे तो हम लोग ये संक्रमण बेगूसराय जिले में आने ही नहीं देंगे। अभी तक कितने मरीजों की सर जांच हुई है? सर मरीजों के अभी तक तो हम लोगों के यहाँ पे जो टोटल रिपोर्ट कल तक हम देखे थे लगभग 32 लोगों की जांच, उसमें जो बाहर से आए हुए थे उसका जांच करके हम लोग करवाए हैं। और बाकी इसके अलावा कोई संदिग्ध केस और हम लोगों के संज्ञान में नहीं आया है, तो उसमें से लगभग 10 व्यक्तियों का क्वारंटाइन का पीरियड खत्म भी हो गया है। तो बेगूसराय जिला में अभी कोई ऐसा मामला नहीं है। ये तो स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव का ही आदेश है, हम लोगों को तो केवल अनुपालन के लिए सभी SDOs को, SDPOs को, BDO CEO को, इन लोगों को पत्र भेज दिया है, पत्र निर्गत हो चुका है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। हाँ, इस ट्रांसपोर्ट विभाग के द्वारा भी, चूँकि आप लोग जानते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक ऐसा मीडियम है जहाँ से अनजान व्यक्ति एक साथ ट्रैवल करते हैं, किसी को पता नहीं रहता कौन व्यक्ति संक्रमित है क्या है, तो इसमें भी संक्रमण की फैलने की काफ़ी बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सभी वाहन मालिकों को, चाहे बस के हों, ऑटो के हैं, ई रिक्शा के हों, सभी को निर्देश परिवहन विभाग के द्वारा दिया गया है कि आप अपनी गाड़ियों को जो विश्राम का समय होगा उसको डिसइन्फेक्ट करेंगे। और आज ही समय उनके साथ बैठक करके उनके इस बात की जानकारी दी गई है कि उसको डेली जब भी विश्राम का समय रहेगा, खाली रहेगी गाड़ी, पैसेंजर नहीं रहेगा, तो उसको डिसइन्फेक्टेंट से सफाई करेंगे। साथ ही साथ ड्राइवर सैनिटाइजर रखेंगे, किसी पैसेंजर को बिठाएंगे उसका हाथ उससे ज़रूर सैनिटाइज करवा लेंगे। और पर्दा वर्दा और सीट पे कवर वगैरह ये सब हटवाने का निर्देश दिया गया है कि वो गाड़ियों से हटवा लेंगे, क्योंकि इससे भी साफ़ सफाई और संक्रमण उससे फैलने की दिक्कत हो सकती है, तो उसको हटाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ सभी नगर निकायों को निर्देश दिया जा रहा है, उनके यहाँ जो बस स्टैंड अपने नगर निगम में है वो लोग उसकी सफाई अब सामान्य पानी से न करके उसमें डिसइन्फेक्टेंट से उसको घोल बना के, चाहे ब्लीचिंग पाउडर का या अन्य प्रकार का कोई भी डिसइन्फेक्टेंट होगा उससे उसकी वो सफाई करेंगे, ताकि पूरा नगर जो बस स्टैंड है वो एरिया क्लीन रहे। इसके अतिरिक्त वहाँ पे माइकिंग के माध्यम से भी लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जागरूक करने के लिए बस स्टैंड पे माइकिंग के माध्यम से वहाँ जो सिस्टम है उनको पेनड्राइव दिया जा रहा है, वो लोग हमेशा अनाउंस करते रहेंगे। साथ ही साथ जो संघ के अध्यक्ष भी यहाँ पे विभिन्न आए हुए थे उनसे, उनको भी हम लोग पेनड्राइव से DTO के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं कि वो जिन गाड़ियों में माइकिंग सिस्टम है जहाँ पे लोग गाना बजाते हैं, गाना बजाने के बजाय जो भी पैसेंजर बैठेंगे कोरोना के वायरस के संक्रमण के क्या क्या सावधानियाँ बरती जानी हैं उससे जागरूक करने के लिए वो पेनड्राइव के माध्यम से वो सूचना। इस पे अब चूँकि आप लोग देख रहे हैं कि एक बिंदु और छूट गया था, स्वास्थ्य विभाग का डायरेक्शन था कि किसी प्रकार की जो सभा जिसमें 50 से ज़्यादा व्यक्ति जिसमें अगर हैं उसकी सीमा रखी निर्धारित कर दी गई है, 50 से ज़्यादा व्यक्तियों की सभा कोई अलाउड नहीं होगी या किसी प्रकार का पारिवारिक फंक्शन भी अलाउड नहीं होगा। केवल शादियों को इससे मुक्त रखा गया है, लेकिन लोगों से अनुरोध है कि इस प्रकार की किसी भी सभा में इसलिए भाग ना लें। और कोई फंक्शन वगैरह अगर है उसमें 50 से कम लोग भी हैं, हालांकि वो अलाउड है, लेकिन उसमें भी पूरी सावधानी लोग बरतें ताकि इसके संक्रमण को फैलने से रोका जाए। आग उड़ रही थी तो पशुपालन विभाग का इसमें स्पष्ट डायरेक्शन आया हुआ है और हम मेरे द्वारा भी जितनी एडवाइजरीज अभी तक देखी गई हैं उसमें कहीं भी इसका कोई रोल नहीं बताया गया है कि मटन चिकन खाने से कोई संक्रमण फैलने की संभावना रहती है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसके कारण लोगों को कोई पैनिक होना चाहिए। सर दो बात है, सर कि गैदरिंग सर जो
मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, वहाँ भी लोगों का गैदरिंग काफ़ी होता है, फिर ओपीडी में लोगों का गैदरिंग ज़्यादा होता है, तो ऐसे में सर क्या कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया? नहीं, इस पर अभी स्पष्ट, कल ही स्पष्ट आदेश आया स्वास्थ्य विभाग का कि 50 से ज़्यादा जहाँ पर गैदरिंग होती है वो गैदरिंग नहीं की जानी है। तो अब इसको अनुपालन करने के लिए निर्देश दिया गया है, जो व्यक्ति या समूह इसका उल्लंघन करेंगे तो जो महामारी अधिनियम है जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग का आदेश निकला उनके विरुद्ध।